सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, आप मुझे बता दो इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं, ओबीसी की आबादी कितनी है पहले ये बताओ, कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में, बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 3 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। यह देश की सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सरकार का बजट लाखों करोड़ रुपए का बजट है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 3 ओबीसी अफसर हैं इनकी भागीदारी कितनी है? ये बजट पे कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप मुझे बताओ ओबीसी अफसर कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी की सरकार है, सब शांत, किसी को नहीं मालूम। क्यों? ये आपको नहीं बताना चाहते हैं, आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई भाइयों और बहनों यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। ओबीसी अफसर 3 है 90 में से और 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा,
नरेगा कैसे बनेगा, भोजन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।